जबलपुर की मझोली तहसील के ग्राम सागौड़ी में पाटन विधानसभा के विधायक अजय विश्नोई द्वारा निकाली जा रही मध्य प्रदेश विकास यात्रा में हर पंचायतों में किए गए विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया जा रहा है। और वहीं लाडली योजना एवं हर घर में नल से जल पहुंचाने का वादा भी किया गया। इस दौरान विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गाँव के लोगों को किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। अब भाजपा के रहते हुए जनता को सभी प्रकार का लाभ दिया जा रहा है। वहीं विकास यात्रा में राजेंद्र चौरसिया, विद्या दिनेश चौरसिया, दीपक साहू एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ग्राम सगोड़ी में विकास यात्रा में आज सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। माता बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योजनाओं के बारे में लाभ जाना और सम्मानीय पाटन विधानसभा विधायक और उनकी पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम आकर लोगों की समस्याएं यहां पे सुनी। और जिन लोगों को भी अपात्र हैं, जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है, उन लोगों की लिस्ट में नाम देंगे हम लोग, सचिव सरपंच हम लोग सब मिलके नाम देंगे। और बाकी नल जल योजना की स्वीकृति भी बताया विश्नोई जी ने, तो ये सब सारी चीज़ें लाडली बहनों बहना के लिए 1,000 रुपये की राशि हर महीने खाते में, और बहुत सारी 33 प्रकार की योजनाओं के लाभ की जानकारी यहाँ पर आदरणीय विश्नोई जी के द्वारा विकास यात्रा में दी गई। अब पंखा भी चलता है, टीवी भी चलता है और घर में उजेला भी रहता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को विदा आप सबने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। किसानों को अच्छे से याद है कि लाइट नहीं मिलती थी, ट्रांसफार्मर नहीं थे, कंडेंसर लगा के मोटर चलाते थे, मोटर झटका मारती थी और चलती कम थी और जलती ज्यादा थी।